हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित वो अष्ट चिरंजीवी आज भी भटक रहे हैं अपनी मुक्ति के इंतजार में। किसी को है भगवान कल्कि का इंतजार, तो कोई आज भी लीन है हिमालय की वादियों में। तो आखिर कौन है ये अष्ट चिरंजीवी, आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय बजरंग बली कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इन अष्ट चिरंजीवियों में सबसे पहले आते हैं महावीर बजरंग बली। जी हाँ, हनुमान जी एक चिरंजीवी देवता हैं और आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। जब ये लंका की अशोक वाटिका में श्री राम का संदेश लेकर माता सीता के पास पहुँचे थे, तब माता सीता ने प्रसन्न होकर इन्हें अजर अमर होने का वरदान रूपी आशीर्वाद दिया था। अजर अमर का अर्थ है कि जिसे ना कभी मौत आएगी और ना ही कभी बुढ़ापा। इस कारण भगवान हनुमान जी को हमेशा शक्ति का स्रोत माना गया है, क्योंकि वह चीर युवा हैं। इन अष्ट चिरंजीवियों में कौरव कुल गुरु कृपाचार्य दूसरे नंबर पर आते हैं और ये भी आज तक जिंदा हैं। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 67 के अनुसार कृपाचार्य रुद्रगणों में से एक के वंशावतार थे। देवी भागवत में कृपाचार्य को मरुतों में से एक का वंशावतार माना गया है। विष्णु पुराण अंश 3 के अनुसार आगे होने वाले मन्वंतर में वह मनो बन प्रलय से बचाएंगे और वह सप्तऋषियों में से भी एक बनेंगे। अपनी विद्या और धर्म नीतियों के आधार पर कृपाचार्य ने वर्षों तक कुरु वंश का मार्गदर्शन किया। कौरवों और पांडवों को आरंभिक शिक्षा कृपाचार्य ने ही दी थी और बाद में वह गुरु द्रोण के आश्रम में गए। कुरु वंश के कुलगुरु कृपाचार्य की कृपी नाम की एक बहन भी थी, जिनका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ और महारथी अश्वत्थामा कृपी और द्रोणाचार्य के ही पुत्र थे। इन अष्ट चिरंजीवियों में अगला नाम महारथी अश्वत्थामा का आता है। धर्म ग्रंथों में भगवान शंकर के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है, लेकिन उनमें से एक अवतार ऐसा भी है जो आज भी पृथ्वी पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहा है और ये अवतार है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा काम क्रोध यम व भगवान शंकर के सम्मिलित अंशावतार थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही अश्वत्थामा को चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। जहां अन्य चिरंजीवी अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं, तो वहीं अश्वत्थामा हम सबके बीच रहते हैं। शायद यही कारण है कि आज भी भारत के विभिन्न शिव मंदिरों में अश्वत्थामा को देखने का दावा किया जाता है, क्योंकि अश्वत्थामा का जन्म शिवजी जी के आशीर्वाद से ही हुआ था और वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। ऋषि मार्कंडेय को भी अष्ट चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। ऋषि मार्कंडेय शिव जी के परम भक्त माने जाते हैं। इन्होंने शिवजी जी को कठोर तप करके प्रसन्न किया था और महामृत्युंजय मंत्र सिद्धि के कारण चिरंजीवी बन गए थे। इस कड़ी में अगला नाम विभीषण का आता है। लंकापति रावण के छोटे भाई विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त थे। जब रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था, तब विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म को मिटाने में धर्म का साथ दिया, जिससे प्रसन्न हो श्री राम ने इन्हें अजर अमर लंकापति बना दिया। राक्षस राज बलि भी एक चिरंजीवी माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। बलि ने भगवान विष्णु के वामन अवतार को अपना सब कुछ दान कर दिया था, इसी कारण इन्हें महादानिक के रूप में जाना जाता है। राजा बलि से श्री हरि अति प्रसन्न थे, इसी वजह से श्री विष्णु ने राजा बलि को अजर अमर कर दिया। महर्षि वेद व्यास भी एक चिरंजीवी हैं और आज भी धरती पर मौजूद हैं। वेद व्यास जी भी अष्ट चिरंजीवी हैं और इन्होंने चारों वेद ऋग्वेद अर्थवेद सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया है। सभी 18 पुराणों की रचना इन्हीं नव की है। महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता की रचना भी वेद व्यास द्वारा ही की गई है। वेद व्यास और ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र थे। इन सभी अष्ट चिरंजीवियों में भगवान परशुराम का भी नाम आता है। भगवान परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार हैं। श्री परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका जी थी। परशुराम जी का जन्म समय सतयुग और त्रेता के संधि काल में माना जाता है। तो दोस्तों, क्या आप इन चिरंजीवियों के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।